आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं कुछ बनाने जा रही हूँ, आंवले का मुरब्बा। सुबह से मैंने ब्लॉग एक भी स्टार्ट नहीं की हूँ, तो यहाँ आ रही हूँ मैं किचन में। दोपहर का टाइम हो गया है, चावल बन गया है, चावल बन गया तो मैं इसको उतार दे रही हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ आंवले के मुरब्बा, जो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। फटाफट से मात्र 5 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं आंवले के मुरब्बा बनाकर तैयार कर दूँगी, आप लोगों के साथ करूँगी। कैसा बनाए आप ज़रूर बताइएगा, फिर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा मेरे मुरब्बा देखने के लिए कैसे बनाती है। ऐसे तो सब अपने अपने अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं एक अलग ही तरीके से बनाती हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो ये है हमारे पास 1/2 किलो आंवला, जो एकदम ताज़ा और फ्रेश। मैंने 500 ग्राम आंवला 1/2 किलो, उसमें मैं कुकर में पानी डाल दूँगी। मेरे कहने का मतलब पानी में नहीं बॉयल करना है, पानी में बॉयल करेंगे तो ये क्या होगा कि बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, गीला गीला सा इसमें पानी भी घुस जाएगा, तो जो हम इसको खाने में यूज करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। इसको आपको भाप में पकाना है। तो मैंने पहले कुकर में पानी डाल दी हूँ, उसके बाद एक कटोरा और देख सकते हैं, चलो 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 मैं खोल दी, दोपहर क्या शाम होने वाला है, 3 बज गया है और यही लोग आ गए हैं स्कूल से। ये इनका कपड़ा खुलता ही नहीं है इससे, मैं खोल रही हूँ इनका बटन। और आप लोग कैसे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा, और लास्ट तक बने रहिएगा ब्लॉग में। ब्लॉग में कुछ धमाकेदार बनने वाला है, बहुत ही टेस्टी और यम्मी यम्मी कुछ मीठा सा बनने वाला है। ठंडी का दिन आ गया है, सबको खाना चाहिए, अपने बॉडी के लिए, अपने बाल के लिए, अपने पेट के लिए, बहुत सारे चीज़ों से इससे हमें छुटकारा मिल जाता है। मैं ऐसा चीज़ बना रही हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ। और लोग आ गए हैं स्कूल से, तो ऐसा मैं दिखा रही हूँ। कहाँ होगा ऊपर खुला है, तब तक ही इधर बॉयल आ गया है कुकर में, 1 सीटी लग गया है इसमें। और 1 सीटी लगने के बाद देख सकते हैं आंवला का कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया है, और चेंज होने के बाद आप देखेंगे तो एकदम सॉफ्ट और मुलायम भी हो गया है। मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको, अभी मैं स्पंज से या हाथ से दबा के दिखाऊंगी आपको। मैं एक एक आंवला निकाल, देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। बस इसको इसी तरह से बॉयल करना है। अब अगर आप फॉग लेंगे उससे इसमें छेद करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए कच्चे आंवले में इतना टाइट होता है ना कि उसमें जल्दी छेद ही नहीं हो पाता। लेकिन इस प्रोसेस से आप अगर बनाते हैं तो आपका जो आंवला का मुरब्बा है या अचार कुछ भी बनाने के लिए, इसका बहुत ही टेस्ट अलग ही कुछ आता है, और इसमें पानी भी नहीं घुसता है। देख सकते हैं मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था, मैंने खा के भी देखी। तो इसको क्या करना है, अब 10 से 15 मिनट के लिए पंखे चला के रख देना है। इसका जो भी पानी भाप में भी पका है तो क्या है, पानी तो घुस ही गया है, तो इसको हम रख देंगे जैसे कि थोड़ा पंखा में। उसके बाद कोई बर्तन ले लेंगे, देख लीजिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले ली हूँ, उसी के मेजरमेंट से जितना चीनी है उसके मेजरमेंट से मैंने इसमें सॉरी अल्लाह है उतना मैं चीनी डालूँगी। देखिए यहाँ पे चीनी डाल दी हूँ मैंने, कम से कम 250 ग्राम से बेसी चीनी ले ली हूँ, 250 ग्राम। इसको अच्छे से हल्के मध्यम आँच करके इसको चलाती रहूँगी इस तरह से, तो क्या होगा कि चीनी हल्का सा पिघलने लगेगा। जब चीनी पिघल जाएगा तो आप इसमें, अब इसमें मैं डालूंगी आंवला। आंवला जब डालूंगी तो ध्यान रहे आपको एक एक आंवला डालना है, उसके बाद इसको धीरे धीरे चलाना है, आराम आराम से, नहीं तो टूट जाएंगे, टूटेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेंगे, नहीं तो ऐसे बिल्कुल गुलाब जामुन के जैसे खिला खिला सा बनेगा, तो टेस्टी भी होगा इसका। तो ये थोड़ा सा छोटा बर्तन पड़ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ दूसरे बर्तन में कर दूँ, तो इसको कढ़ाई में कर दूँगी। ये चल ही नहीं पा रहा है, ज़्यादा हो गया है, तो मैंने कढ़ाई में इसको फिर पलट ली थी क्योंकि इसमें चल नहीं पा रहा था, देख रहे नीचे तली में पकड़ने लगा था, तो मैं कहीं कि इससे अच्छा कढ़ाई रहेगा इसमें चला भी पाऊँगी। तो इस तरह से मैंने इसको चला दी हूँ, अब इसको ढक दूँगी बिना पानी होने के 10 से 15 मिनट में। देखेंगे तो आप इसको बिल्कुल अच्छा पक जाएगा। आंवला में ज़्यादा ही थोड़ा कड़वापन रहता है, तो मैंने इसमें 2 गुड़ भी डाल दी हूँ जिसे मीठा कहते हैं, और इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो चलिए बीच बीच में चलाते रहना है आपको, तो आप देख सकते हैं मैंने बीच बीच में चलाना स्टार्ट की हूँ, फिर ढक दी हूँ, फिर बीच में चला रही हूँ। इस तरह से आप इसको देखते रहेंगे तो
चीनी जो है और गुड़ जो है पघिल जाएगा, देखिए कितना अच्छा से। फिर इसको ढक देना है। इस प्रोसेस को आपको कम से कम 3 से 4 बार करना है। हर 5 मिनट के बाद इसको पलटते रहना है। जो भी झाग होगा देख सकते हैं अब ख़त्म होने लगा है, एकदम पकने के करार पे आ गया है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा आंवले का मुरब्बा जो है अलग ही फूल के खिल गया, एकदम इतना टेस्टी टेस्टी बना है ना। तो चलिए मैं गैस बंद कर दी हूँ और इसे आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना ईजी ये है तोड़ना और कितना टेस्टी बना हुआ है। देखिए क्या मुंह में पानी आ जाएगा देख के ही। और खुशबू इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दी थी। तो देख रहे हैं मैंने कितना ईजी प्रोसेस के साथ बना के दिखा दी हूँ आपको। तो आपको ये मैं आशा करती हूँ ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा और मेरे को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। और यहाँ देखिए कितना अच्छा से बन गया है। आप चाहें तो इसे महीने दिन भी स्टोर करके रख सकते हैं। और ये देखिए बच्चे बड़े जिसको भी खिलाएंगे, बाल इससे बाल का भी ग्रोथ अच्छा होता है, आँख का भी रोशनी अच्छा रहता है। और क्या होता है कि गैस भी नहीं बनता इससे, इसमें इसलिए चीनी भी है। आप चाहें तो खाली गुड़ से बना सकते हैं, आप चाहें तो खाली उससे बना सकते हैं चीनी से। तो मैंने सब दोनों डाल के बना रखी हूँ। इधर अब सब्जी बना रही हूँ दोपहर के टाइम में। तो सब्जी में आज बन रहा है कढ़ी, आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। तो देख सकते हैं मैंने पूरे लहसुन और अदरक कूट दी हूँ और उसके बाद बना रही हूँ। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी होगा। जो कुछ भी बनाएंगे आप कूट के तब डालिए तो टेस्टी बनता है। कढ़ी एक तरफ थोड़ा सा बना ली हूँ और यहाँ पे अब साग के लिए बना रही हूँ। तो साग में भी अच्छे खासे लहसुन जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। जितने ही साग में लहसुन और प्याज टमाटर का अगर आप तड़का लगाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरह से मेरे ब्लॉग में आपको डेली बाय डेली एक ना एक चीज़ सीखने को मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ डाल के उसके बाद फ्राई करने लग रही हूँ। तो साग बनेगा, चावल बनेगा, आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। तो यहीं पे अपना वीडियो एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साग बनाने का टिप से कैसा लगा मैं आपको ज़रूर दिखा रही हूँ। आपको पसंद आएगा तो एक कमेंट करके बताइएगा कैसे आप बनाते हैं। यहाँ पे मैंने सारा साग के पानी निकाल ली हूँ और निकालने के बाद अब क्या करूँगी मैं, इसमें डालूँगी मक्की का आटा। जो मक्की का आटा होता है इससे साग में थोड़ी सी अलग ही स्वाद आ जाती है और अच्छा भी लगता है। आप किस टिप से बनाते हैं? अगर मैं डायरेक्ट ही इसको डाल दूँगी तो क्या होगा कि ऐसे हो जाएगा जो भी मसाले में मतलब तेल उल है ना उड़ जाएंगे। इसलिए पानी ज़्यादा है और कढ़ाई गर्म है तो उस टाइम पे डालने से इसको फ़र्क पड़ता है। जो भी तेल मसाले होते हैं उड़ जाते हैं। तो इस तरह से आप पानी निछार लीजिए पहले साग का, तो उसके बाद डालिए, या तो लो फ्लेम कर लीजिए बिल्कुल गैस का, उसके बाद डालिए। तो इस तरह से जब आप डालेंगे ना तो जो भी कुछ होगा, जैसे दाल भी बनाते हैं कई बार साग ओग बनाते हैं तो उसका अलग ही टेस्ट आता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल